राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बंजारा समाज भारत भर में 23 इधर देखते हुए सामने 23 नाम से जाना जाता है और बंजारा समाज 12 राज्यों में SC में और 8 राज्यों में ST में है और बाकी राज्यों में OBC जनरल SBC में है। इसलिए भारत का जो बंजारा है वो पूरे एक ही ST सूची में शामिल करना जरूरी है और हम आदिवासी होने के नाते हमें ST का आरक्षण मिलना जरूरी है। इसलिए हमारा आज का धरना आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है। नहीं, क्या कारण है कि इतने दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक डिमांड पूरा नहीं हुआ? बंजारा समाज है तो जंगल घाटी में रहने वाला समाज है, अति पिछड़ा समाज है और हमारे समाज के जो राजनीतिक लोग आए चले गए, इन्होंने हमारे समाज पर दिल भर से ख्याल नहीं दिया। बहुत सारे MLA सांसद हुए लेकिन उन्होंने समाज पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे मन को नहीं। आपको नहीं लगता कि इसी बंजारा समिति के द्वारा बालाकृष्णन भी, हरिभाव राठौर, ये सब अलग अलग समितियां बना करके संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, बराबर है। महाराष्ट्र से जो हरिभाव राठौर विधायक है, पूर्व सांसद थे, सांसद, उन्होंने 2008 में बिना सेट बिल वापस लिया, इसलिए हमारी मांग रुक गई। अब उस मांग को राष्ट्रीय बंजारा मिशन ने आगे बढ़ाया है। तो क्या आशा है कि ये BJP गवर्नमेंट ऐसे डिमांड को पूरा करेगी? तो 70 साल में तो कांग्रेस सरकार ने डिमांड पूरी की, अब BJP सरकार तो 4 साल में नहीं कर सकी, लेकिन अभी तो मानना है विधाते आयोग का जो रिपोर्ट है समाज के लिए और रोहिणी आयोग का जो हमारा डिप्रेशन मिला उन्होंने आश्वासन दिया, इसलिए लग रहा था कि ये BJP सरकार हमारी मांग पूरी कर देंगी, लेकिन आगे इलेक्शन की वजह से ये मांग पूरी होना मुश्किल है। फिर भी अगर रोहिणी आयोग ने रिकमेंडेशन ही कर दिया तो भी हमारी मांग पूरी हो सकती है अगले सेशन में। अगर नहीं की, अगर पूरा न हो तो अगला रणनीति क्या होगी? तो हम 2019 के इलेक्शन में बहिष्कार ही कर सकते देश में आंदोलन। आगे तो बंजारा समाज अब जागरूक हो गए, फेसबुक, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से पूरा समाज एकजुट हो रहा है, एक मंच पर आ रहा है। आगे तो हम फाइट क्या हम छीन के लेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बंजारा मिश्रा, महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बंजारा मिश्रा। यहाँ पार्लियामेंट स्थित जंतर मंतर पे क्या डिमांड लेकर के आए हैं आप सब? ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में ST आरक्षण हमारा अधिकार है, सदियों से हम मांगते आ रहे हैं। इस आरक्षण के लिए यहाँ पे हम लोग एक दिन का धरना, हमारे समाज के दिल्ली प्रदेश के बंजारा समाज के नेता हमारी मांगे पूरी हो रही है। राठौर जी, क्या प्रॉब्लम है कि आप ST की डिमांड कर रहे हैं? समाज सेवक सर जी, मेन प्रॉब्लम ये जो है, श्री करतार सिंह जी, हम लोग जो बंजारा बिरादरी से हैं, एक ही कास्ट के हैं, एक ही भाषा वेशभाषा से है, एक ही रंगमंच से है, तो हमारी मांग ये है कि ST एक ही नाम से हम जाने जाए पूरे भारत में, हम लोगों को बांट दिया है। अगर इस प्रदर्शन के द्वारा डिमांड पूरा ना हो तो अगला आप स्टेप क्या उठाएंगे? गोपाल जी, डिमांड तो हम करते रहेंगे और इनके बाकी सदस्य, जो डिमांड हमारी है वो अगर पूरी नहीं होती है आज के बाद से हमारा आंदोलन तीव्र रहेगा और ज्यादा जोरों से हर कोने कोने से हम लोग यहाँ पे धरने के लिए। आने वाले चुनाव में 19 में आप क्या सरकार को जवाब देंगे? बिल्कुल, सरकारों पे हम बहिष्कार डालेंगे। पहली बात तो ये है, हम लोगों ने कसम खाई है यहाँ जंतर मंतर के स्टेज पे, कसम खाई है कि हम लोग हर एक इलेक्शन में अगर हमारी कोई पार्टी काम बात मंजूर नहीं करती है, ST आरक्षण मुद्दा नहीं उठाती है, तो हम उनके बहिष्कार डालेंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता चौहान है। यहाँ पे किस काम के लिए आई हूँ, क्या डिमांड है, मांग क्या? हमारा एक ही डिमांड है, ST आरक्षण। इस संदर्भ हमारा अधिकार मांगने को आए हैं सरकार। कितने लोग आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे? यहाँ अभी भाई साहब ने बताया कि राशि है। अगर जो डिमांड है वो पूरा न हो तो क्या करोगी आप? हम सरकार पे बहिष्कार डालेंगे और हमारे मांग सरकार के खिलाफ रहेगी और हमारी मांग हम पूरी करेंगे।